So, hello everybody. So, today in this video, we are going to be seeing that how we can make use of GitHub for cloning the projects, or we can say cloning the repositories from the GitHub and how we can create an account on GitHub. We are going to be seeing that how we can push our projects into the GitHub repositories. Okay, so let's begin. Okay, so as a first step, we will need an GitHub account. For so for creating a GitHub account, you get to the GitHub website padega सो so, गिटअप के वेबसाइट पर आने के लिए बस गिटअप टाइप करो और गिटअप डॉट कॉम टाइप करो यहाँ यू आर एल जहाँ पे आप प्रोवाइड करते हो ठीक है सो गिटप का वेबसाइट आ जाएगा अब यहाँ पे तुम्हें अकाउंट बनाना है तो अकाउंट बनाने के लिए यहाँ साइनअप पे बटन पर क्लिक करना है राइट टॉप कॉर्नर पर ठीक है अब यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन पूछेगा वो तुम लोग को प्रोवाइड करते जाना है इसको फॉर दाना पर्पज ठीक है सबसे पहला ईमेल पूछ रहा तो मैं यहाँ पे ईमेल देता हूँ एंड कंटिन्यू पे क्लिक करो अब एक खुद का पासवर्ड बना लेना तो पासवर्ड बनाने के बाद कंटिन्यू अब यूज़र नेम जैसे कि अभी मेरा नाम भरत है ठीक है तो भरत और आके कुछ नंबर्स दे देना जैसे मैं देता हूँ फाइव सेवन एट कुछ भी फाइव सेवन एट ठीक है सर कुछ भी रैंडम नंबर्स देना है क्योंकि अगर मैं ऐसा सीरियल वाइज जाऊँ तो किसी ने तो बना के रखा रहेगा देखो ठीक है तो कुछ भी नाम रैंडम नंबर्स देना अभी मैं कुछ भी डाल रहा हूँ यहाँ पे तो फिर कंटिन्यू अब यहाँ पे देखो पूछ रहा है वुड यू लाइक रिसीव द प्रोडक्ट अपडेट्स लाइक जो भी ईमेल प्रोवाइड किया है उस पर किटअप के सो so, वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम्हें यस करना है कि नो करना है मैं तो यस कर रहा हूँ अब यहाँ पे एक वेरीफाई आएगा और वेरीफाई के बटन पर क्लिक करना है तुम्हें यहाँ पे ऑडियो के थ्रू भी कर सकते हो मैं वेरीफाई के इस पर क्लिक करता हूँ सो so, अब इसे वेरीफाई करना है एंड देन वेरीफाई करने के बाद तुम्हारा अकाउंट बन जाएगा सो so, मैं वेरीफाई करता हूँ फटाफट वेरिफिकेशन so हो गया अब सीधा क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करूंगा मैं तो uh, मेरा अकाउंट बन जाएगा टेप का ठीक है सो अब एक और स्टेप है uh, कि तुम्हें अपने ईमेल पे आके चेक करना है एक uh, तुम्हें कोड आया रहेगा सो चलो देखते हैं आया है कि नहीं सो so, ये है मेरा ईमेल ठीक है सो यहां पे आया ठीक है so, सो फाइ ट्रिपल नाइन सॉरी सॉरी डबल नाइन फिर एट नाइन एट फोर नाइन एट फोर नाइन सो ओ टी पी वेरीफाई करने के बाद तुम्हें ये स्टेप करना और ये खुद से आ जाएगा पेज ठीक है सो so, यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है कि लाइक तुम्हें ग्रुप में काम कर रहे हो कि अकेले काम कर रहे हो सो यहाँ पे जस्ट मे क्लिक करना है और यहाँ पे स्टूडेंट क्लिक करना है ठीक है फिर कंटिन्यू सो so, अभी यहाँ पे पूछ रहा है कि जो यूज़ करना चाहते हो किस परपज के साथ यूज़ करना चाहते हो सो so, यहाँ पे सभी सेलेक्ट कर लो कुछ फर्क नहीं पड़ता या तो एक करके छोड़ दो तो, तो भी चल जाएगा सो so, मैं एक दो ऐसा कर लेता हूँ अभी मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर रहा हूँ सो so, अभी नेक्स्ट स्टेप पर पूछेगा कि तुम्हें फ्री टायर पर फ्री टायर अकाउंट बनाना है कि तुम्हें पेड वाला बनाना है तो भाई ऑफकोर्स फ्री वाला बनाना है ठीक है सो कंटिन्यू फॉर फ्री सो अब तुम्हारा अकाउंट बन जाएगा सो ये डैशबोर्ड इनिशियलाइज कर रहा है और इनिशियलाइज हो चुका हमारा डैशबोर्ड बोर्ड तो अब यहाँ पे क्रिएट रेपो का तुम्हें एक ऑप्शन आ रहा है मतलब क्रिएट रेपोजिटरी का सो so, अभी रेपोजिट्री क्या होता है सो so, रेपोजिट्री वो प्लेस है जहाँ पे तुम अपना पूरा कोड स्टोर करने वाले हो सो so, बस आप क्रिएट करो इसको सो क्रिएट किया आपने अभी इसमें कुछ भी नाम दे दो जैसे कि मेरा प्रोजेक्ट वन तो प्रोजेक्ट और डिस्क्रिप्शन कुछ भी दे दो और ये पब्लिक रखना ठीक है यहाँ पे देखो तो ये पब्लिक रखना है तुम्हें और यहाँ पे आई ड्रीम टू वी को चेक करना है बस इतना करते ही क्रिएट रेपो सो रेपो क्रिएट कर लिया अब यहाँ पे तुम्हें कोड कैसे डालना है सो so, तुम्हारे पास दो ऑप्शन होते हैं या तो तुम मतलब कमांड लाइन के थ्रू करो या तो तुम जियो के थ्रू करो सो so, भाई जीओ के थ्रू करना रहे तो कैसे कर सकते हैं यहाँ पे एड फाइल पे क्लिक करो और अपलोड फाइल पे क्लिक करो और यहाँ पे जाके तुम सिंपली ऐसे अपलोड कर सकते हो uh, जैसे कि अभी मैं एक पर्पज के लिए यहाँ पे बस ये वाई फाइल है उसको उसका अपलोड कर रहा हूँ ठीक है सो ओपन किया ये खुद से अपलोड हुआ अब मैं कमिट कमिट कर रहा था मैं सो so, कमिट किया सो so, ये कमिट हो गया और मतलब अपलोड हो गया मतलब इन शॉर्ट अपलोड हो गया ठीक है सो अभी रिफ्रेश करूँगा तो देखो फाइल आ जाएगा ये देखो तो यहाँ पर फाइल आया ये वाला